शब्द से खुशी शब्द से गम, शब्द से खुशी शब्द से गम, शब्द से पीड़ा शब्द ही मरहम, शब्द से आप है, शब्द से आप है और शब्द से ही हम। दुनिया में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं शब्दों से बनते हैं वाक्य और यही वाक्य पैदा करते हैं इंसान के अंदर इमोशंस और ये इमोशंस बनाते हैं हमारे व्यक्तित्व को, हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को। ये इंपॉर्टेंस होता है शब्दों का, लेकिन ये हम भूल जाते हैं रूटीन लाइफ में। और कुछ ऐसे वाक्य हमारे बच्चों से हम कहते हैं जो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही जहरीले है। सो ऐसे कौन से वो जहरीले 8 वाक्य है जो आपने किसी भी सूरत में, फिर से सुनिए, किसी भी सूरत में किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों से नहीं कहने हैं। ये 8 वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपके बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और आज के बाद इन 8 वाक्यों को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निकाल दीजिए ताकि ये जहरीले वाक्य आपके बच्चों का भविष्य खराब ना कर सके। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी, ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। तो समझते हैं, पहला सेंटेंस है तू ... यानी कि ब्लैंक स्पेस है और ये ब्लैंक स्पेस में आपका फेवरेट शब्द है। ये फेवरेट शब्द कौन सा हो सकता है? जैसे तू गधा है, तू मूर्ख है, तू बेअकल है, तू नालायक है, तू बदमाश है, तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो भी आप शब्द रिपीटेडली अपने बच्चे को बोलते होंगे वो शब्द, तू गधा है, अगर ये आप बार 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 उसे कहते हो तो ये वाक्य उसके दिमाग में घुसता है, दिमाग में उसके अंदर जाता है और जो उसका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बैठ जाता है और एक इमेज खुद की बना लेता है वो कि यस मैं गधा हूँ, क्योंकि उसकी नज़र में ये जो कहने वाला उसका बाप है वही उसका आइडियल है। और अगर आपने ही ये वाक्य उसको रिपीटेडली बोला है तो वो बड़ा होके खुद को गधा प्रूव करेगा आपकी वजह से। आज के बाद गलती से भी ये सेंटेंस आपने नहीं बोलना है, डिलीट कर दीजिए ये सेंटेंस को। दूसरा वाक्य ... यानी कि ब्लैंक स्पेस, तुम हमेशा गलत ही करते हो, ये डॉट में आपका फेवरेट शब्द कुछ भी हो सकता है। जैसे पढ़ाई के मामले में हो सकता है, मैथ तुम हमेशा गलत ही करते हो, कपड़े तुम बराबर पहन ही नहीं सकते हो, गलत ही पहनते हो, या फिर कोई भी काम हो सकता है ये तुम बराबर नहीं करते हो, तुम बराबर बोल नहीं सकते हो, तुम बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ये डॉट में आपका फेवरेट शब्द और तुम गलत ही करते हो। ये सेंटेंस अगर आप बोलते हैं, रिपीटेडली बोलते हैं, आज के बाद इसको डिलीट कर दीजिए, बोलना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए इसको बोलना नहीं है, क्योंकि एक बार बच्चे के दिमाग में ये शब्द अगर बैठ गया तो वो कभी भी सही काम नहीं कर पाएगा। तीसरा वाक्य, तुम ... जैसे नहीं हो, अब ये डॉट की जगह पर है किसी का नाम, उसकी बहन हो सकती है, उसका भाई हो सकता है, या फिर उसकी माँ के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, तुम तुम्हारे भाई के जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम तुम्हारे बहन के जैसे नहीं हो। कंपेयर आप जब करते हो ना तो वो बच्चे के दिमाग में एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, खुद को कम समझने की भावना उसके अंदर निर्माण हो जाती है, ये भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जिंदगी में वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। और ये सेंटेंस अगर आप बोलते हो तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं बोलना है। चौथा वाक्य, मैं तुम्हारी उम्र का जब था तब ... मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो बहुत समझदार था, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो बहुत अकलमंद था, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो सबकी सुनता था। ये सेंटेंस गलती से भी आपने बच्चे को नहीं बोलना है, मैं जब तुम्हारी उम्र का था, मैं जब तुम्हारी उम्र का था। इससे भी रिपीटेड सेंटेंस सुनने की वजह से उसका जो आत्मबल है वो कमज़ोर हो जाता है। पांचवा सेंटेंस, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सुनना पड़ा, तुम्हारी वजह से ही मेरा अपमान हुआ, तुम्हारी वजह से ही मेरे इज्जत का फालूदा हो गया, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सुनना पड़ा, तुम जिम्मेदार, तुम जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से।
कितना दोषी फील करता होगा वो अंदर से। ये सेंटेंस गलती से भी आपने बोलना नहीं है। छठवां सेंटेंस, तुम बिल्कुल अपने माँ पे गए हो, या फिर तुम बिल्कुल अपने मौसी के जैसे हो, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, तुम बिल्कुल इसके जैसे हो, यानी कि उसका खुद का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो किसी और की कॉपी है, वो जेरोक्स है, ऐसा बोल रहे हो आप उसको। वो खुद अपना अस्तित्व कभी नहीं बना पाएगा। ये सेंटेंस भी गलती से आपने नहीं बोलना है। सातवां और एक जहरीला सेंटेंस, वो सेंटेंस ये है कि तुम्हारे जैसा बच्चा होने से बेहतर है कि मुझे बच्चा ही नहीं होता था। बहुत माओ को देखा है मैंने, बहुत लेडीज़ को मैंने ये सुना है कहते हुए कि तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा था कि मैं ना औलाद रहती। ये सेंटेंस उस बच्चे को कितना हर्ट करता होगा ज़रा सोचिए, उस विधाता को कितना बुरा लगता होगा जिसने आपको ये बच्चा दिया है। तो ये सेंटेंस आपने कभी भी नहीं बोलना है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, तुम ... यह कर ही नहीं सकते। उसके एबिलिटी पे ये क्वेश्चन मार्क है, उसकी काबिलियत पे ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस डॉट में आपका फेवरेट शब्द, तुम पढ़ाई कर ही नहीं सकते, तुम साइकिल चलाना सीख ही नहीं सकते, मैथ में तो तुम कभी अच्छे नंबर ला ही नहीं सकोगे। आपने उसको उसका भविष्य बताना शुरू कर दिया, आपने उसका भविष्य लिखना शुरू कर दिया है। अरे अपना खुद का बच्चा है यार, उसको इस तरह से डीमोरलाइज मत कीजिए। ये सेंटेंस भी अपने जीवन से निकाल लीजिए। आपको कितना भी गुस्सा आए, ये आठ जहरीले जो वाक्य है गलती से भी अपने जबान से मत निकालना। याद रखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपने आपके बच्चे को क्या कहना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे आठ सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जो आपने रोज अपने बच्चे को कहना ही कहना है। तो मेरा दूसरा वीडियो भी ज़रूर देखिए, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो हर माता पिता के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।